लूट सिर्फ लुटेरे ही नहीं करते, डाका सिर्फ डकैत ही नहीं डालते, पढ़े लिखे सफेद कॉलर वाले लोग भी डाका डालते हैं, लेकिन शातिराना ढंग से। एसएमएस में यही हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक पूरा गैंग काम करता है जो कि खून, दवाई और जांच सबका फायदा उठाकर अपनी जेबें भरता है। सरकार ने तमाम योजनाएं ऐसी चलाई जो मरीजों के लिए निशुल्क हैं, लेकिन कुछ मुफ्तखोर गरीबों के हक पर डांका डाल रहे हैं। और हैरानी इस बात की है कि यह प्रबंधन सब जानकर भी अनजान बना हुआ है। एसएमएस में दवाइयों की सौदेबाजी का एक और खुलासा। खून का दलाल करता था निशुल्क दवाई की सौदेबाजी। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राजस्थान में लोगों की सहूलियत और अच्छी सेहत के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना शुरू की। योजना अच्छी है और इससे आम आदमी को काफी फायदा भी हुआ है, लेकिन इस शख्स ने इस योजना में भी गोरख धंधा शुरू कर दिया। और अस्पताल में ठगी का ऐसा तंत्र विकसित किया जो हैरान करने वाला था। बेहद शातिराना अंदाज में काम को अंजाम दिया जा रहा था और अस्पताल को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही थी। लगता है कि एसएमएस अस्पताल में एक गैंग सक्रिय है जो अपनी जेबें भरने के लिए सरकार को चूना लगा रहा है। सबसे पहले तो खून में ही यह काम शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ खून तक ये सौदेबाजी सीमित है तो आप गलत हैं, क्योंकि खून के अलावा दवाइयां भी इस गैंग की जद में हैं। कैसे काम करता है ये गैंग ये आपको बताएंगे। निजी मेडिकल स्टोर वाले उठा रहे हैं एसएमएस से फायदा। निशुल्क दवा योजना में सरकार को लग रही चपत। मिली भगत के खेल से लग रहा अस्पताल को चूना। कांग्रेस सरकार में निशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी इस उम्मीद में कि गरीब लोगों को दवाई मिल सकेगी निशुल्क, जिससे किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसी दवा योजना में एक बड़ी धांधली सामने आई है। एसएमएस अस्पताल में एक मरीज आता है, चार डॉक्टरों को दिखाता है और यहाँ आने के बाद वो अलग अलग जो पर्चियां कटती हैं वो दवाइयां लेता है और उन दवाइयों को ले जाने के बाद अस्पताल के बाहर प्राइवेट उन दवाइयों को बेच देता है और उसकी कीमत वसूलता है। निशुल्क दवा योजना के तहत जो दवाइयां गरीब को मिलनी चाहिए थी वही अब प्राइवेट अस्पताल और बाहर मिल रही हैं, जिससे कि जहां ये धांधली बढ़ रही है वहीं प्रशासन इस बारे में जानता है लेकिन जान के भी कहीं ना कहीं अनजान बना हुआ है। ऐसा नहीं है ये मामला अभी है, ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब तक इस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस गोरख धंधे में राज्य सरकार की ओर से संचालित हो रही निशुल्क दवा और जांच योजना का फायदा कई प्राइवेट अस्पतालों के संचालक और मेडिकल स्टोर वाले उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे गोरख धंधे में अस्पताल के नर्सिंग कर्मी, वार्ड बॉय और कई वार्डों के नर्सिंग इंचार्ज तक शामिल हैं। बेहद प्लानिंग के तहत इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है। गैंग के कुछ लोग अस्पताल में आते हैं, अलग अलग बीमारियों के नाम पर ओपीडी में जाकर दवाइयां लिखाते हैं, फिर उस पर्चे को निशुल्क दवा योजना की दुकान पर दिखाकर दवाई लेते हैं और उन्हें निजी अस्पताल और दवा विक्रेताओं को सस्ती दर पर बेच देते हैं। बाद में यही दवाइयां निजी अस्पताल और दवा विक्रेता महंगी दर पर मरीजों को देते हैं और ज्यादातर ये वही मरीज होते हैं जिन्हें एसएमएस में दवाइयां मिल नहीं पाती। और ये बात हवा हवाई नहीं है, इस पूरे खेल से अस्पताल प्रबंधक भी वाकिफ है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मान प्रकाश खुद ये बात मानते हैं कि गोरख धंधा चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये जो निशुल्क व्यवस्था है जांच करने की, चाहे वो एड्स की जांच की बात जो अभी चल रही थी मैंने बताई आपको वो, और दूसरी जो लैब की अपनी बातें हैं सेंट्रल लैब में जो निशुल्क जांच होती है,
ऐसी कुछ, मैं जब सुप्रिटेंडेंट बना था तो मैंने उस वक्त ये पाया था कि कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे मरीज बन करके और अपने ब्लड सैंपल दे देते हैं और यहाँ पे कोई उसको लेकर के जांच करके और रिपोर्ट, क्योंकि ऑनलाइन है, वो निकाल लेते हैं अपने वहाँ से और अपने प्रिंट करके और उसको चार्ज कर लेते हैं और यहाँ से वो फ्री जांच कर ली जाती है। बाद में इस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई और पूरी तरीके से शायद अभी रुकी हुई है। अब ये बात समझ से परे है कि जब प्रबंधन को गोरख धंधे की पूरी सच्चाई पता है तो ये चल कैसे रहा है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इससे आगे का है, क्योंकि गोरख धंधा दवाई तक सीमित नहीं है। निशुल्क दवाइयों में तो धांधली होती ही है, निजी डायग्नोसिस सेंटर वाले भी इस जुगाड़ तंत्र में शामिल हैं। जुगाड़ से एसएमएस अस्पताल में होती हैं जांचें, हजारों के टेस्ट एसएमएस अस्पताल में मुफ्त होते हैं। इंडिया न्यूज की तफ्तीश में यह तीसरा खुलासा था, खून, दवाई और डायग्नोसिस की जांचें। जी हां, अस्पताल के आसपास कुकर मुत्तों की तरह निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का जाल फैला हुआ है, जहां जांचों के नाम पर मरीजों से मोटी कीमत तो वसूली जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई क्या है यह हम आपको बताएंगे। निजी सेंटरों पर मरीजों के सैंपल लिए जाते हैं, मरीज जांच की फीस सेंटर को देता है, लेकिन ये जांचें होती हैं एसएमएस अस्पताल में। अस्पताल में जहां प्रशासन एक और दावे करता है कि यह व्यवस्था सही है, चिकित्सा मंत्री दावे करते हैं यह व्यवस्था सही है, लेकिन यहां की हकीकत क्या है वो यहां के तह में आने के बाद पता चलती है। क्या समस्या हुई है आप यहां पे आए? मैडम, मैं चार लाइन में लग के आ गई हूं। पहली लाइन में लगाते हैं, कहते हैं आपका कार्ड यहाँ नहीं बनेगा, मैं ना मुझे वीडियो कोटे में बनाना है। सेकंड लाइन में कहते हैं बाहर बढ़ के नीचे चले जाओ, वहाँ लग के आ गई। तीसरी लाइन में पेंशनर में आई, वहाँ वरिष्ठ नागरिक पेंशनर का लिखा हुआ है, विधवा का नहीं लिखा हुआ, वो भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि मेरी प्राइवेट डॉक्टर की पर्ची पे साफ लिखा हुआ है कि विधवा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मुझे 10 रुपए दे के पैड करके पर्ची उसी लाइन से इंचार्ज से मिल के बनवानी पड़ी। आप बताएं क्या दवाई यहाँ पे, आप बता रहे हैं कि कौन कौन सी मिली, क्या बोला है दवाई? नहीं मिली साहब, सब मतलब बाहर के लिखते हैं सब दवाइयाँ, उनको सब बताते ही नहीं है, इतना कह रहे बाहर मिलेंगी हैं, एक भी एक दवाई देते हैं साहब और सब दवाई बाहर। सर आधी दवाई यहाँ मिलती है, आधी बाहर मिलती है, जो महंगी दवाई होती है वो बाहर की लिखते हैं, जो सस्ती होती है 10-5 रुपए की वो अंदर की लिख देते हैं दवाई, यहाँ जो खुद दे देते हैं सर, और दवाई जो बाहर से लानी पड़ती है सब महंगी दवाइयाँ। बिल्कुल, दवाइयों का ये खेल यहाँ चल रहा है जिसमें दवाइयाँ यहाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, लेकिन इन्हीं दवाइयों को बाहर बेचा जा रहा है, यहाँ से इकट्ठी की जाती है दवाई। एक मरीज आता है, 5 डॉक्टरों को दिखाता है और उन दवाइयों को इकट्ठा करता है, और उन दवाइयों को इकट्ठा करने के बाद बाहर इन दवाइयों को बेच देता है। ऐसे में दवाइयों का ये बड़ा धांधली यहाँ चल रही है, बड़ा खेल यहाँ चल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस बारे में जानता है, लेकिन जानने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना बैठा है, ना तो किसी तरह की कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए की ये धांधलियां चल रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसी तरह की कोई पुख्ता कार्रवाई यहां नहीं की है। जी हां, हैरत की बात यह है कि डायग्नोसिस सेंटरों ने इसके लिए एसएमएस अस्पताल के वार्ड बॉय और जांच करने वाले कर्मचारियों से सेटिंग कर ली है, जिसमें सब मिलकर खाते हैं और जेबें गरम करते हैं, लुटते हैं वो जो बीमार हैं। सेटिंग का खेल इस तरह होता है कि निजी डायग्नोसिस सेंटर जिन जांचों की मरीजों से बड़ी कीमत वसूलते हैं, उनको एसएमएस अस्पताल में सेटिंग के चलते निशुल्क कर दिया जाता है। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन निकालकर मरीजों को दे दी जाती है, ये बात खुद आरोपी देवेंद्र ने कबूल की है और बताया है कि इस सेटिंग में एसएमएस अस्पताल में नेफ्रोलॉजी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज डॉक्टर आर के मीणा उनका साथ देते हैं। जांच की पर्ची लेने गया था और जांच की पर्ची लेते हुए ब्लड बैंक में से एक आदमी आया, बोले नीचे चलो और पुलिस वालों को कहके बंद करा दिया बस। किस तरह की जांच की पर्ची थी और कहां काम करते हो, यहां कब, कितनी बार यहां क्यों आते हो यहां? मैं यहां पे जांच वांच लेने आता हूं, मैं ना मोनार्क डायग्नोस्टिक सेंटर पे काम करता हूं।
जांच लेने आया था HIV की, मैं ब्लड बैंक के वहां से नीचे आ रहा था, बोले एक ने देखा, बोले तू दलाल है, नीचे चल बस। तो वहां से यहां जांच लेने के बारे में, तो कंपाउंडरों से भाई साहब की सेटिंग है, वो जांच वहां देते हैं। क्या किस तरह की सेटिंग है, क्योंकि मोनाल जब लैब है तो वो प्राइवेट है, वो यहां क्यों आ रहे हैं? वो स्टाफ से हैं भाई साहब, यहीं से SMS से, तो उनकी जानकारी उनके जरिए जांच वहां चाहती है। कौन से भाई साहब हैं? डॉक्टर आर के मीणा। अच्छा, और क्या कैसी जांच आती है? HIV सारी जांच आती है मैडम, टेस्ट जो भी होते हैं। ये यहाँ से वहाँ भेजते हैं जी? क्या करते हैं, कैसे भेजते हैं? वो फोन करके बुलवाते हैं मैडम, फोन करके फिर हमारा आदमी चल जाता है, वो जांच लेके आ जाता है बस। अच्छा जी, ये खून का क्यों पकड़ा है तुम्हें, किसने पकड़ा अभी वहाँ, किसने पकड़ा अंदर? मैडम वहाँ पे एक लड़का सा खड़ा था अंदर, स्टाफ में से होगा वो ब्लड बैंक, उनने कहा बोले तू दलाल है नीचे चल, मैं नीचे आया इतनी देर में, पुलिस वालों के साथ लेके आ गए बस। हजारों करोड़ का बजट हर साल स्वास्थ्य सुविधाओं के दुरुस्तीकरण के लिए सरकार खर्च करती है, लेकिन विडंबना ये है कि सब कुछ जानते हुए भी इस तरह के गड़बड़ छाले को खत्म करने का कोई काम नहीं किया जाता। हमने इस बारे में SMS के अधीक्षक मान प्रकाश से बात की तो उन्होंने कहा कि कोशिश तो बहुत की लेकिन ये जाल तोड़ने में वो नाकाम रहे। यहाँ पे हम जांच करवाते हैं और ना किसी ने मेरे को शिकायत करी है। पहले जरूर शुरू शुरू में किसी ने कहा था ये बात कि इस तरीके का कोई जाल फैला हुआ है कि यहाँ से निःशुल्क जांच करके और भेज दी जाती है और वो लोग चार्ज करते हैं, आते हैं जैसे वे कंप्लेन कर दी कि मेरा सिर दुखता है, मेरा ये होता है, मेरे खांसी हो रही है, खांसी होती है मेरे साहब ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह की चार पांच डॉक्टरों को वो दिखा लेते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वो दवाइयाँ निःशुल्क जो मिलती है, डॉक्टर उनको दवाइयाँ उनकी कंप्लेंट के आधार पर लिख देते हैं जांच पड़ताल नहीं करके, और वो दवाइयाँ इकट्ठी करके फिर अपने प्राइवेट जो डॉक्टर है अपने कॉलोनी में जहाँ भी वो रहते हैं उनको दे देते हैं। जैसे 2000 रुपये की यहाँ से दवाई वो ले गए, उनको 200 रुपये वहाँ से मिल गए, तो ऐसी भी देखने को शिकायतें मिली हैं। कई लोग तो दवाइयाँ लेकर के और उनके थैले के थैले भी कई बार हमें बाहर पड़े मिलते हैं, तो हम उनको उठा करके वापस निःशुल्क उन DDC पे दे देते हैं कि इनको वितरित आप करने की कोशिश करें। बताया ना, जांच का भी, दवा का भी, और तीसरे नंबर पे जो आपने बताई ये रक्त का भी, इस तरीके का शायद स्कैंडल है और इसको स्कैंडल को तोड़ने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और कमेटी बना करके इसको ये करेंगे। एक चीज़ इसमें ये भी हो सकती है कि बहुत दिन से बैठा हुआ आदमी एक जगह पे ये चीज़ें सीख जाता है और उसका हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अब इन लड़कों को जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेल से लगे हुए कंप्यूटर पे हो या चपरासी हो या ट्रॉलीमैन हो या कोई नर्सिंग स्टाफ भी हो, इनका परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन करें जिससे कि ये इनकी जो व्यवस्था या इन्होंने जो जंजाल सा फैला रखा है ये जंजाल मिट जाए। ठगी का तंत्र अस्पताल के दूसरे वार्डों में भी अपने अपने तरीकों से काम कर रहा है। इसमें अस्पताल प्रबंधन कुछ भी करने की जगह अपने ही साथियों का पक्ष लेता नजर आता है, जिसका जीता जाता सबूत है SMS अस्पताल में हुई ब्लड की दलाली का मामला। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह पाया था कि महज ब्लड बैंक ने पिछले दिनों एक खून के दलाल को 16 यूनिट ब्लड मानवता के आधार पर जारी कर दिया था। समस्या इतनी भर नहीं है कि SMS अस्पताल में एक ऐसा गैंग तैयार हो गया है जो आम और गरीब मरीजों के हक पर डाका डाल रहा है और अपनी जेबें भर रहा है। सवाल यह है कि अस्पताल प्रबंधन सब कुछ जानकर भी अपनी नाकामी का राग अलाप रहा है। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि प्रबंधन सब कुछ जानकर भी दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि कैसे निशुल्क मिलने वाली दवाइयों को बाहर निजी मेडिकल स्टोरों में पहुंचा दिया जाता है? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि प्राइवेट सेंटरों की जांचें सरकारी रेट पर कैसे SMS अस्पताल में हो जाती है? लेकिन ये पूछे किससे, क्योंकि जिससे पूछना है वो तो खुद अपाहिज बने बैठे हैं।
सरकार राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के बड़े बड़े दावे करती है और कई योजनाएं भी चलाई गई हैं इन दावों को जमीन पर उतारने के लिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो हमने आपको SMS अस्पताल में दिखाई है, जहां जिनको जरूरत है उन्हें तो दवाई मिल नहीं पाती और जो जिम्मेदार बैठे हैं वो खुद अपनी जेबें भर के गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। SMS अस्पताल में निशुल्क जांच योजना के तहत भी एक बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें निजी डायग्नोस सेंटर अस्पताल में जांच के लिए अपने सैंपल भेजते हैं और उसके बाद रिपोर्ट आने पर पैसे वसूल करते हैं खुद निजी डायग्नोस सेंटर। ये पूरा खेल सिर्फ एक निजी डायग्नोस सेंटर के बिहाफ पे नहीं चल रहा है, इसमें अस्पताल प्रशासन भी शामिल है, इसमें अस्पताल के वार्ड बॉय से लेकर नर्सिंग कर्मी शामिल है, जिनकी साठ गांठ के बाद ये पूरा खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए के घपले इसमें चल रहे हैं, लेकिन इन सब का भुगतान जिसे करना पड़ रहा है वो है एक आम मरीज जो यहाँ आता है इस उम्मीद में कि उसका इलाज हो सके। उसे अस्पताल में भी ठगा जा रहा है और उसे निजी डायग्नोस सेंटर में भी ठगा जा रहा है। प्रशासन को पूरी भनक है, प्रशासन को पूरी जानकारी है, जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरह अनजान बना बैठा है। तो देखा आपने किस तरह से यह सरकार के दावों को चूना लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि यहां सरकार के संज्ञान में, विभाग के संज्ञान में पूरा मामला कब तक आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।